वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्ट्रीम क्लासेस। सो प्रीवियस क्लास रे हम कोन पढ़थिले, हम पढ़थिले हाउ टू अप्लाई गॉस लॉ। सो गॉस लॉ अप्लाई केन करे हम पढ़थिले, तै हम कहथिले ए चारटा पॉइंट मन रखले, यू कैन ड्रॉ आउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ यू यूज गॉस लॉ। सो फर्स्ट गॉसियन सरफेस कोन ड्रॉ करियो, जो पॉइंट रे कहथियो से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देहिरे हम कोन करे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करे। अ गॉसियन सरफेस रो कंडीशन कोन हम प्रीवियस क्लास रे कहथली, ओना जे देखियो। तापर नेक्स्ट कोन कहथली, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस जोडा कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। तापर नेक्स्ट कोन गडिया कहथली, टोटल चार्ज विथिन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस भीतर केते चार्ज क्यू इनसाइड केते, सेटा हम देखथिले केते क्यू इनसाइड करे। फोर्थ पॉइंट कोन कहथली, अप्लाई गॉस लॉ, एडा सब बेले इनहेरिटेड, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस पॉइंट्स। ए पॉइंट जब हम रखले तो हम लॉन्ग क्वेश्चन इजीली हे पारे। सो केन करिया, सो फर्स्ट हम कोन कहथली प्रीवियस क्लास रे कहि देथली, जदी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कापछे ड्यू टू वन डायमेंशनल इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर रॉड, तापे हम आगु काट देथले कोन करथिले फॉर्मूला आसला, एडा जो वाई रॉड नेथली, एडा वाई रॉड नियो नले वाई नियो नले लाइन नियो, आर डिस्टेंस रे एडु आर डिस्टेंस नेथली जोडे कि पी पॉइंट रे हमर फॉर्मूला आसला कोन, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, एती फॉर्मूला आसला। एडा मजे जदी आर स्मॉल आर होचे देन आई शुड टेक दिस स्मॉल। सो लैम्डा स्टैंड्स फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट, और आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। जेते मो डिस्टेंस बढे बढे जिबे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हो कम कम जे ग्राफ जदि के पचार ना ई वर्सेस आर रे, ई वर्सेस आर देन यू शुड अप्लाई लाइक दिस, ये ए नो वर्सेस आर देन से गुड नागिन रे हो। सो इडा होची हमर ग्राफ जानी पार। सो नेक्स्ट कौन हो एटा तो आम जानी सर आउ थे कौन कारण यू नहीं आर गोटे आप्लिकेसन अच्छे कौन सी आम पचार दी दीटा दे दीटा दे दैट टू बी एवं तो आम जान लें यहाँ गोटे ये जान लापर आम कौन कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढ़िया का सब काढ़िया ड्यू टू ए टू डायमेंशनल प्लेन शीट काढ़ आई गोटे क्वेश्चन गोटे कराया से क्वेश्चन टा क्वेश्चन कराया क्वेश्चन कलापर कौन हो। सो नेक्स्ट सी कही गोटे क्वेश्चन देख सी कौन दे दी एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन अरे कौन दे दी हम ई दे दी आर दे दी हमने काढ़िया कौन कही कैलकुलेट लिनियर चार्ज डेंसिटी लामड़ा जनरल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन खाली जानिया पे जान तो तापर हम डिटेल रे क्वेश्चन करी प्रॉब्लम। सो से कौन कहू छी गिवन कौन दे दी छी हमर ए गिवन दे दी छी फर्स्ट जोड क्वेश्चन के गिवन था दे थौ छी हम से कौन करे गिवन दे छी ई इक्वल टू 9 इनटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एंड डिस्टेंस आर इक्वल टू 4 सीएम किंतु सीएम हमें नबा दे हमें यूज करिया कोन मीटर रे देन 4 इनटू 10 टू द पावर -2 मीटर एडा पडे एडा देन वी शुड अप्लाई एज यू नो लैम्डा ई इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। सो व्हाट शुड आई फाइंड मोर रे 2 मल्टीप्लाई करली एडा भी 2 मल्टीप्लाई करली एले कोन हबो 2 लैम्डा by 4 pi epsilon 0 into r 1 by 4 pi epsilon 0 will be 9 into 10 to the 9 so e equal to 9 into 10 to the power 9 into 2 ye lambda by ye lambda hai na by kon hoga distance distance kete de diye hum 4 into 10 to the power minus 2 eda kon kari eda mo jodi ye arrange kari likhi di ये 2 ये -2 टू गला 10 टू द पावर 11 ये 9 बाय 2 इनटू 10 टू द पावर 11 इनटू लैम्डा इक्वल टू ई
चलो हमरा एक पर कोन को ई रो वैल्यू भी दे दी छे हमती 9 * 10 टू द पावर 9 * 10 टू द पावर 4 सो ए पके ना सो हम लैम्डा इक्वल टू कोन हो ई * ई * 2 सो 9 * 10 टू द पावर 4 * 2 बाय 9 * 10 टू द पावर 11 9 9 कैंसिल ये ऊपर ऊपर है ना 2 * 10 टू द पावर ये कौन हो माइनस 7 लैम्डा लैम्डा रे यूनिट कौन जान जाने दैट टू बी कूलम पर मीटर कारण लैम्डा फार्मूला होची क्यू बाय एल थैंक यू फॉर कूलम एल फॉर लेंथ मीटर सो ने कूलम पर मीटर सो दिस इज द आंसर कैडिंग माय पॉइंट सो दिस शुड बी द आंसर हेलो सो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची कौन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू डायमेंशनल इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट एले गोटे कोन दे दिजि भाबि दे मोर हातडा होची गोटे प्लेन एडा गोटे समतल ये होची गोटे सरफेस टा ये हला टू डायमेंशनल प्लेन शीट कोन बे आर कोन अछि लेंथ अछि ब्रेथ अछि सेते एडा होची टू डायमेंशनल प्लेन शीट सो ए टू डायमेंशनल प्लेन शीट नै रे मु कोन करी टू डायमेंशनल प्लेन शीट नै रे at any point where electric field intensity kada chance what should I try to find I try to find electric field intensity at a distance r from the plane sheet so how can I draw this thing so kin kari first eda first so this is a plane sheet bhabo in in rakhi chu so this is a plane sheet हाँ, सो इड़ा कौन होची चार्ज? दिस इज थिंक दिस इज ए प्लेनशीट। सो फर्स्ट टाइम को स्पेसिफाई कौन करे? तमुगो। फर्स्ट टाइम लिखिया बोले, व्हाट डज इट सिग्निफाई? एड़ा है प्लेनशीट। सो फर्स्ट लिख दी, लेट सिग्मा बी दा let sigma be the area or surface charge density charge density of the plane sheet hala chana parlo ye hochi amar plane sheet ro area charge और सरफेस चार्ज डेंसिटी कडी में कौन सो लैम्डा हो सिग्मा हो जी सो कैन आई राइट सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए टोटल एरिया है करेक्ट टोटल एरिया एस सॉरी आई एम राइटिंग लाइक दिस क्यू बाय टोटल सरफेस एरिया क्यू बाय एस सो यदि हम कौन बोले छोटा ना बोले डी क्यू बाय डी एस ने और अदरवाइज हमें अन्य फॉर्मेट में लिख पाए हां बट डी क्यू बाय यू कैन राइट आल्सो डीएस और डीए भी लिख पाए कि मो एट डीए लिख दो छी कारण मो आगर डीए कोइ छी डीएस को के छोरा पड़े सो नेक्स्ट को छे व्हाट शुड आई ट्राई टू डू फर्स्ट आई ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस हम को कोइ छी पॉइंट आउ छी पी पॉइंट केते डिस्टेंस रह छी आर डिस्टेंस रह छी एडु केते डिस्टेंस रह छी आर डिस्टेंस सो हम भी को करे को छी वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कुल पॉइंट बी कितने डिस्टेंस रे एट ए डिस्टेंस आर आर डिस्टेंस रे प्लेन शीट इन द छोरा हो इन प्लेन शीट मु देखो जी ताको सेति में इन रिप्रेजेंट करै छी जब इन दे रख थान दे त हम दिस सीन कर थान कि इन दे रख छी मु तो देखै परै ना इन दे अछि ले एले लगे देखा होबे से नै मु इन दे कर छी सो एट ए डिस्टेंस आर रखबो सो से कोन गुची एतिक डिस्टेंस रे जो पॉइंट दे रछ से पॉइंट दे मते कोन करियो पडियो गॉसियन सरफेस टी ड्रॉ करे पडियो से दे मु कोन गली एडो उडे भाव एडो कोन गली गोटे गॉसियन सरफेस नली को शेप रो नली गोटे सिलिंडर शेप भाबो एडा गोटे कोन छ पेपर टा आ भीतर गोटे ग्लास टी मार दे छी ग्लास टी ले पॉइंट टा पी अछि
से पॉइंट दे के कौन कर छे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर छे गॉसियन सरफेस इन तो क्या हो गॉसियन सरफेस सेम दिखियो पड़ियो जे की कौन करियो चार्ज को कौन करियो कवर करथियो पड़ियो तुम गॉसियन सर टोटल ले कवर को टोटल ले न कवर करो हमर ये कौन कर छे जति की चार्ज रीजन कवर कर छे ता अनुसार हम कर परे आ टोटल ले भी कवर कर ही पाए परे सेने हम कौन करियो पड़ियो एडा जति प्लेन ढाला गॉसियन सरफेस इन दी इन दे हमर अप्लाई कर परे सेने हम कौन कर छे एडो छोटो दिस इज ए स्मॉल पोर्शन हम अप्लाई करे छ देखो एडा इन इन अप्लाई कर हला सो दिस इज द पॉइंट सो आर कौन नेली आर एरिया नेली ए आर भी सही सेम है ना आर भी एरिया सो आर इक्वल डिस्टेंस ले हम को से इक्वल भी हम करे हां पूरा ग्लास टा माचे ना पूरा सिलेंडर टा माचे सो ये भी ए हो अब आर डिस्टेंस कौन हो एती भी हमर डिस्टेंस आर हो तब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन देखियो चेष्टा करे सो हाउ कैन आई फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम को से भी पॉजिटिव चार्ज आज इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन कौन हो भाव हम देखिते हमर कौन होची वॉशिंग ब्रश अछि वॉशिंग पाउडर निर्मा टाइप वॉशिंग ब्रश टाइप सेने एड कौन होची जो केरे केरे जा होत होची सेने एडा पॉजिटिव चार्ज है ना सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन हेते अपने पड़वा हते हिन जाय सेने कौन हेते इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ये दी सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हला इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन फर्स्ट टाइम कौन बोली क्लेरिफाई बोली आ एक और साइड दे देते हम को सर पे पड़ जाती इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट मीनिंग कौन प्लेन शीट का मीनिंग हो जी पूरा पतला पेपर पूरा थिकनेस आर टेंस टू जीरो सो एपड़ इलेक्ट्रिक फील्ड एपड़ इलेक्ट्रिक फील्ड एपड़ सो नेक्स्ट कौन करी मु एरिया वेक्टर देखी तुम को सर एटा जो फ्लैट सरफेस है जो ग्लास टा अछि इफ दिस इज ए ग्लास थिंक दिस इज ए ग्लास ए ग्लास रो एटा हो छि फ्लैट सरफेस है ए फ्लैट सरफेस रे एरिया वेक्टर को पड़े तुम को सर आउट पर कारण एटा 3D ऑब्जेक्ट है एरिया वेक्टर एपड़ छि एटा फ्लैट सरफेस है एपड़ टा आ पे एरिया वेक्टर को पड़े एपड़ हो से एरिया वेक्टर कौन हो एपड़ है सो कौन हैला से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तुम को सर एपड़ एरिया वेक्टर डायरेक्शन एपड़ को आगो भीतर एंगल केते एडा थीटा मान ने या हो 0 डिग्री एडा कोण हो तुम को सर एडा भी थीटा 2 डिग्री थीटा 2 होची 0 डिग्री किंतु एडे जदी ओडे पॉइंट ने दी आ एड तीनटा सरफेस ना तीनटा सरफेस तीन ही तुम को सर एडा फ्लैट ता एडा होची गोटे समतल फ्लैट सरफेस ता एपर साइड ते भी फ्लैट सरफेस ता किंतु एडा जो धरचे धरुचे विथ व्हिच आई एम कंटेनिंग और आई एम गेटिंग दिस सो दैट सरफेस इज ए कप सरफेस जोडा धरचे से कप सरफेस रे एरिया वेक्टर हो तुम कैसे 8 वेल ले पड़े 8 वेल ले पड़े 8 वेल ले पड़े से ने एरिया वेक्टर एड दी ने तुम कैसे एरिया वेक्टर एड होची एरिया वेक्टर एड कौन एपड़ आ इलेक्ट्रिक फील्ड ता देख ले एपड़ डायरेक्शन अछि एड कौन हो थीटा 3 होची 90 डिग्री क्लियर कर गॉट माय पॉइंट सो से कौन होची एड वाले कौन करले कंपेयर करी जाने फर्स्ट रे कौन होई तुम कह सर कौन हो सिलिंडर टा इन कमे मान ले सिलिंडर टा एति मान ले चलो पूरा टोटल रे मान ले कवर कर ले चलो कौन हो छी गॉस का हो छी तुम जति के चार्ज लो छ सेति के चार्ज हो गॉसियन सरफेस के एनक्लोज कर एति इतरे के चार्ज रहे ना एति के इतरे जो चार्ज रहला ताको मेन लिख परी सो कौन रहे अनर भाव क्यू बाय ए कार सिग्मा इक्वल क्यू बाय एति के एरिया ए सेति इतरे चार्ज रहले कौन क्यू बाय आ टोटल चार्ज टा जानने केते टोटल चार्ज मोर कोन हेछि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हेछि केते हेछि हम जानने किंतु मते एति के एरिया रे चार्ज लगता से नै हम कोन बोलि क्यू बाय सिग्मा इक्वल क्यू बाय ए लिखते सो क्यू इक्वल कोन हो एडो हमें बड़ पॉइंट लिख परे क्यू इक्वल सिग्मा इनटू ए हला एन लिख परे सो सी कोन बुझे हमें एडा जानले वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी जानले फर्स्ट ए गॉसियन सरफेस we have to draw a gaussian surface like the pura draw a gaussian surface in the shape of cylinder a pill box ele bora cylinder on
on the either side of plane sheet. Hello, distance is through the point P at distance R. मैं इधर लिखे दी थी पूरा नोट जो हम तो वस्त है। So distance R दी हमें कौन कर चें? Electric field means कौन बोले cosine of distance draw करें। तो देखो cosine of distance है। So next कौन करें? तो हम कौन सा? आई तो लिखी electric field symmetry अच्छी सर। Symmetry में नहीं कौन जोड़ देख ली electric field से? कोई लेकिन electric field reflection एक बार लाइन इन्दी इन्दी ब्रश वाले एपोर्ट साइड देखिए वाले तो उनको एपोर्ट साइड देखिए ले मोड़ जो हमारे काम करते हैं सफाई करिया ब्रश वॉशिंग ब्रश यूज़ करते हैं तार हड़े डायरेक्शन में है थे सो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिमेट्रिक नेक्स्ट थीटा है सिमेट्रिक थीटा है सिमेट्रिक कौन है लेकिन थीटा है सिमेट्रिक तो हमको बस फर्स्ट थीटा वन थीटा इधर जीरो होला और 90 डिग्री है अब ये कौन हो जाए कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस और देखो नहीं जांच ये कौन अच्छी फ्लैट सरफेस दी डा अच्छी आम और कौन हो जाए कॉर्ड सरफेस उठा अच्छी हला सर दिमाग ये कौन है लाइस वन ये एस वन नहीं जो ये एस टू नहीं जो ये एस थ्री नहीं जो किंतु ये कौन हो जाए ये हमारी एस वन ये हो जाए एस टू ये हो जाए हमारे पूरा कॉर्ड सरफेस टा ये हो जाए एस थ्री हला सो नेक्स्ट कौन हो जाए तो हम कह सर I have drawn a cosine of this. Next one, next one is total electric flux through cosine of this. So total electric flux, dekhe. So dekhe again. Hello. Total electric flux. So total electric flux, dekhe. Total electric flux through cosine of this. हेलो सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस भीतर कितना अच्छे तो हमको सर फाइ ई इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस એટલે એને કોણ કરી ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ઈ ડીએસ 1 cos થીટા 1 પ્લસ એડાઈસ 1 બાય ઈ ડીએસ 2 cos થીટા 2 એસ 2 બાય ઈ ડીએસ 3 cos थीटा 3 ये का भाई तुम कह सर s3 એટલે વેલ્યુ કોણ તમ કહો સર cos थीटा 1 કે थीटा 1 લખી દી છે આ રિટર રિટર્ન હે 0 ડિગ્રી સો cos 0 ये भी थीटा 2 કેતે 0 બટ थीटा 3 કેતે તમ કહો સર 90 ડિગ્રી હેલા સતે કોણ હવો a ટર્મ ના 0 ઇજ નો બોલ a ટર્મ ના 0 ઇજ કોમે cos 90 હે cos 90 હો જી 0 से देख कौन हो जाए टर्म ना जीरो है जो नेक्स्ट कोड़ा कोड़ा रहे तो मुझे सर ई तो कॉस्टेंट बाहर ऊपर दे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वन डीएस वन इंटीग्रेशन है लाले ये छोटे छोटे ये छोटे सरफेस टी नहीं थी ये भी छोटे सरफेस टी नहीं थी ये डीएस जे जे इन सीर कौन हो तो मुझे सर एरिया ए ही जन प्लस ई डीएस अलग ई बी ए डबल ई ए डबल ई ए सो देखो कौन होगा ए प्लस ए इक्वल कौन होगा टू ई ए मुझे ना सो टू ई ए बोले ऐसे सो हमार सेकेंड थिंग बोले था फाइ ई इक्वल टू ई ए सो फाइ ई इक्वल कौन होगा ई डी एस ई डॉट डी एस जो हम करते हैं टू ई ए सो नेक्स्ट कर दिया थर्ड पॉइंट टोटल चार्ज विथिन गॉसियन सरफेस So how can we determine this thing? I have already told you sigma equal to q by a. इतनी रीजन भी तेरे चार्ज मानो रख क्यों अच्छी? आरे ये हो चुके a. Then area charge density equal to charge per unit area. So q by a. Ready my point? So कौन बोल ची? Limit. So ची कौन बोल ची? Total charge within Gaussian surface देखिए. So how can I determine this thing? So देखिए भी कौन आया हमारा? सो टोटल चार्ज थर्ड वन विथिन
बस सेंस ऑफ दिस ये कत पड़े आछो ओके सर हमर क्यू इनसाइड केत होबो सर इक्वल टू कौन पड़े ना सिग्मा इनटू ए वी हैव ऑलरेडी वाच दिस थिंग हाउ दिस हैपेंड कैडी बाय पॉइंट सो कौन आला क्यू इनसाइड इक्वल टू सिग्मा इनटू ए नेक्स्ट कौन हो छे थर्ड पॉइंट है टोटल चार्ज पड़े नेक्स्ट कौन बोले अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ गॉस लॉ अनुसार हम कौन जान से फाइ ई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन जी अब एक पर फाइव ई काल दिख ले एबाग कौन आसला 2 ई ए आसला सो आई हैव टू अप्लाई दिस थिंग 2 ई इनटू ए q इनसाइड के पहले सिग्मा इनटू ए बाय एप्सिलॉन a को a कैंसिल सो हमर कौन पड़े ना e इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन हेलो सो दिस इज द फार्मूला सो प्लेन शीट पड़े ला देन आंसर कौन आउछि e इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जे सो की पछरी होली तमर सर ए आर नंबर कौन बेहतर लागे आर डिस्टेंस ऊपर किछ भी फरक पड़ला नहीं सो से कोची एटा जदे हमर कौन मेला प्लेन शीट मेला तब पाखे भी जेते हो दूर भी जेते हो देन बेसी इनफाइनाइट डिस्टेंस है हमका काउंट नहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस तो जीरो किंतु प्रैक्टिकली देखिले से डिस्टेंस ऊपर डिपेंड हो सो एड कौन कोलो नोट करी मु लिखे दीछे बट यू हैव टू राइट दिस थिंग अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट डजंट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस where the point is observed or where the point of observation is there so point of observation jodo achi and sedi depend on electric field ko depend korche electric field directly proportional to sigma area charge density jete adhik hola electric field sete adhik hobo kintu area charge density upare vyatito apka upare electric field due to plane shift depend hobo jani parla khala ले कौन बुक्यो मो जोडा लिखि लिबे दोची सेडी पॉज मारी लिखि दोथ्यो बुझला ना सीन देगा फॉर्मेट रे मो जो लिखि पढो छी तम कम करियो 2 सेकंड पॉज मारी सब बड़ लिखि दोथ्यो कारण मो डिटेल लिखु छी और लिबे दो छी कारण नले स्पेस कम हो छी सेकंड कम बुक्यो लिखला पोरे पॉज मारी जोड तमे कंटिन्यू आगु जाउ छ मो लिबे आ देख छ मो कम बुक्यो पॉज मारी लिखि दो छी रेडी माय फ्रेंड सो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन आइला हमरो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट हमर फार्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जी एटा है प्लेन शीट पे बुझला एटा कोन आइला का पे प्लेन शीट पे दिस इज फॉर प्लेन शीट आई आवर पॉइंट देखो यदि प्लेन शीट न हो प्लेन प्लेट दे दे शीट रो मीनिंग कोन चार्ज ओनली गोटे साइड अपीयर हो गोटे साइड में एटा पेपर ता हम एटा पेपर ता गुड़े फ्रजाइल पेपर की गुड़े बहुत छोटो पेपर तार थिकनेस कौन टेंस टू जीरो थिकनेस ना है इसलिए जदि थिकनेस ना है એટલે चार्ज कौन हो एपोर साइड देखिए एपोर साइड बुझन गुड साइड का कैप के रहो इसलिए मैं ता पे फार्मूला हो छे ई इक्वल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो जा जल्दी से प्लेन शीट पर करे किछ थिकनेस अछि 0.9 थिक रे जोड़ा के हम काउंट कर परे इफ द प्लेन शीट हैज a finite thickness then electric field set kon hobo e equal to mon rakho sigma by epsilon 0 eta kon hobo thickness if plate has ba plane sheet has finite thickness thickness jodi achi then i can write sigma by epsilon 0 ke dekho तब हम कह सकते हैं बोथ साइड रही थी सर मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू हम जान ले जो क्यू इनसाइड आस थिला बाय एप्सिलॉन 0 एडा कोन आसी एडा नोट करी लिखियो नोट कोन पूछे जदि इफ टू प्लेन शीट मींस ओनली ए प्लेन शीट इज देयर देन एंड द थिकनेस इज नेग्लेक्टेड देन ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ओनली प्लेन शीट
thickness is neglected. Then answer banalo E equal to sigma pi 2 epsilon 0. The plane set is there. Or plane set tab ko aapko kare ni tab ko kare plane plate le lo kare plate se kon achi tar thickness and measurable thickness achi thickness is counted thickness is there finite thickness is there kede kon achi finite thickness achi then e ro value kon asio sigma by epsilon 0 king hai na sigma by 2 epsilon 0 plus sigma by 2 epsilon 0 kon hai eda jo e dot ds karala bujhe na eda likhi likh do bujhe na chai bar eda hoche note ta you have to keep it in mind hala so sikon bujhe libe bujhe hala so sikon bujhe pause kari likhi do so next bujhe eda king asle likhi da e dot ds amra answer asle 2 ea Q inside itu asli lah, kalau bottom side nya itu lah, kita asli lah. Sigma into A asli lah, kita di both side nya apa deh, jadi finite thickness nya 2 sigma A by epsilon 0, 2 ku 2 cancel, A ku A cancel, so E equal to mana? Sigma by epsilon. Yes. Plane sheet has finite thickness, which is called plane plate, tapi hasil sigma by epsilon 0, jadi sheet oce, then tapi hasil sigma by 2 epsilon 0. जिस्ट डबल जिला सो नेक्स्ट देखो हेलो चाइल्ड बंगला जोड़ा जोड़ा पूर्ण है क्वेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन दिया है जी व्हाट्सएप नंबर दिया है जी यू हैव टू आस्क मी पर्सनली हेलो आओ कौन हो जी सो पॉज मारी लिख दो जी सो नेक्स्ट देखो चाइल्ड बंगला सो आई कैन मेक इट फील यू कैन फील इट अस तो भाभीया कौन हो जी गोटे साइड चार्ज थिला सेदिन आस्थला हमर कौन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 अब बोथ साइड चार्ज पड़े तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 होगा ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सेदिन आस्थ सिग्मा बाय एप्सिलॉन एबे कौन करछे दीटा प्लेन प्लेट नेछे प्लेन शीट नेछे आर मन करो एडा ओडे प्लेन शीट एडा ओडे प्लेन शीट दी जन जो कौन करछे पैरेलल ले रखछे भाबो एडा ओडे प्लेट टा एडा ओडे प्लेट दी जन जो पैरेलल ले रखछे किछे डिस्टेंस डी दे रखछे सो से कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू दिस टू प्लेन शीट को पॉइंट रे कडियो कहूँ हम तीन टा पॉइंट कह दे छी हबो एडा होची रीजन 1 एडा होची रीजन 2 एडा होची रीजन 3 तीन टा पॉइंट रे कडियो कहूँ केते डिस्टेंस हम डिस्टेंस पर तो डिपेंड होले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट डजंट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस का ऊपर डिपेंड करू छी खाली हमर एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऊपर सो से कोइ छी आर एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 आर एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 सो मोरे कौन लिखू छी सिग्मा 1 एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्लैट फर्स्ट एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फर्स्ट वन एला फर्स्ट प्लेट फर्स्ट शीट सिग्मा 2 एरिया चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकंड शीट हला अब एडी कौन आछे सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 गेटिंग माय पॉइंट सिग्मा 1 कौन है छे ग्रेटर देन सिग्मा 2 सो मते कौन कहूछे आई एम टेकिंग एन अजम्पशन एजम्पशन कौन हो छि एडा भाबी दियो हमको मजेरे कौन कर छि एक्स एक्सिस से छि एडा हो छि मोर कौन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो छि नेगेटिव एक्स एक्सिस हला हम जान से पॉजिटिव एक्स एक्सिस रे कौन रहो छि आई के रहो छि डायरेक्शन दे देखि फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी से नै वेक्टर को हम सब डायरेक्शन देखि देखि से नै कौन हो छि आई के नेगेटिव एक्स एक्सिस रे कौन माइनस आई के सुदिना हम कौन देखिया इलेक्ट्रिक फील्ड देखिया रीजन 1 रे देखिया रीजन 2 रे देखिया आईडी बाय आईडी रीजन 3 रे देखिया आईडी सो देखिया किन देखिया सो फर्स्ट लेट फर्स्ट रीजन रे देखिया कौन होची देखिया फर्स्ट देखो
ए दिटा कंपेयर करी आमे जान छै जदी पॉजिटिव प्लेट रहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सब बाहर हो जी नेगेटिव प्लेट रहला ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाय अंदर आसे आ ओडा जीओडा बुझा ना से अट्रैक्ट कर परे बॉयस वन बॉयस बॉयस वन को करे रिपेल करे से नेड कोन हो छै पॉइंट वन पे कोन ही परे ये पॉजिटिव प्लेट ता से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कर रहे ए पोर ई वन ये भी पॉजिटिव प्लेट है आज जो ए पॉइंट देखिए ए पोर ई रहे एडा हो ई टू को सो दीज इन द सेम डायरेक्शन में जो देन एड है जी जाए होता मो एडा बारंबार एग्जांपल देखो छे मो ऊपर ए पोर जदी 10 आउ जणा 20 पके तो दीज इन द मो ऊपर कोन हो रिजल्ट है एड है जी 30 हो सीन रीजन 3 रे देखा ये पॉजिटिव प्लेट का कौन करे तुम कैसे रिकॉल करे एडा आप ने देखिया ई वन सीन सेकंड प्लेट कौन करे तुम कैसे सही सेम लगा करियो रिपल करियो कारण हम कौन करते इलेक्ट्रिक फील्ड देखिया कौन करते जो पॉइंट रे रस से पॉइंट रे गोटे कौन करते टेस्ट चार्ज कौन टेस्ट चार्ज कौन करतला पॉजिटिव पेडू ए टेस्ट चार्ज रिपल कर छने ई वन से पड़े टू बी सपड़ा ऑब्वियस सी सेकंड पॉइंट रे कौन हो तमन सर पॉजिटिव प्लेट ए पड़ा से ये पॉजिटिव प्लेट ए पड़ा से ए डायग्राम आ गया सेते मो रीजन 1 रे नेली रीजन 2 रे नेली रीजन 3 रे नेली सो रीजन 1 इन रीजन 1 फर्स्ट ई 1 के वेक्टर फॉर्म देखिए E1 इक्वल आने जाले सिग्मा 1 बाय 2 जेहेतु एडा प्लेन शीट नै छि सने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 बट एडा कोन हो छि आई कैप नै आई कैप ना माइनस आई कैप सने माइनस आई कैप कमे रीजन जे नेगेटिव एक्स एक्सिस रे छन सने माइनस आई कैप सिंदे E2 केते सही सेम हमरा माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन 0 आई कैप अगेन कमे रीजन जे सेम डायरेक्शन रे छन देन आवर कौन होची E at one first electric field के तहत हम कौन सा दीजन दे एड है सिने minus E one बार plus E two बार vector form में सिने minus sigma one by two epsilon zero I get minus plus minus minus है कौन sigma two by two epsilon zero I get अलग कौन है वो हम कौन सा एड कौन है जो minus one by two epsilon zero common सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इनटू कौन आई के बुझला ने चाहि पाला सो सेट पे कौन होची एडीटा कौन होचो एड है सो एडा भी इक्वेशन 1 दे लिख दो जी एडा इक्वेशन 1 सो रीजन 1 पे कहता है ना रीजन 1 पे लिख दो जी एड साइड रे माइनस 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हला नेगेटिव साइन इंडिकेट कोन होची ए दि जन जा सेम नेगेटिव आई के रो डायरेक्शन बा नेगेटिव एक्स एक्सिस रो डायरेक्शन बा एटा से हला रीजन 1 सिन रीजन 2 रे देखिए रीजन 2 रे एटा पॉज करी दी 2 सेकंड रे लिख दो हला केडी मन पॉइंट सो रीजन 2 रे कोन होची सो कोन होची रीजन 2 रे 2 रे जब देखी रीजन 2 रे कौन होची देखे सो फर्स्ट ई 1 देखी ई 1 रे डायरेक्शन कौन गयो तुम कह सर सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 ये एक्स एक्सिस रो डायरेक्शन रे छे एक्स प्राइम एक्सिस ने एक्स एक्सिस से मैं कौन लिखियो आई के पॉजिटिव आई के सिर ई 2 कौन तुम कह सर ई 2 कौन अछि तुम कह सर सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन 0 ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रे छै से माइनस आई के बुझला के तो हमें कौन करिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बा रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एपर हम कहि देली एपर मन हम जाने 20 को को छै मते एपर 20 रे जिकु छै एपर जाने जदी 5 रे जिकु छै रिजल्ट आ केता हो 20 ये 5 कैंसिल हो जियो 5 सो 15 एपर पड़ी लार्ज वेक्टर से कौन हो हम सब बोले जान छै ई 1 ई सेकंड रीजन पर गए ना सो दे ई 2 लिख दीजिए
इक्वल टू हमें जानते हैं नॉर्मली e1 वेक्टर क्रॉस e2 वेक्टर वेक्टर फॉर्म में कितना हुआ है तो हम कह सकते हैं सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 i के माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन 0 i के सो ये कौन कौन बाहर पड़ा तो हम कह सकते हैं 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 वाला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय i के इनटू सॉरी इनटू i के सो एट ऑफ सी ई एट सेकंड रीजन आंसर से देखो एट सेकंड रीजन पे लिख दो जी कितना आसला हमर आंसर 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई के हला एडा होची रीजन 2 रे नेक्स्ट देखे हमने रीजन 3 एडा हो पोच मा लेली 2 सेकंड रे लिख दो हला सो नेक्स्ट देखे हम कोन रीजन 3 रे कोन हला चली गेलो देखो देखो रीजन 3 रे के ई1 के था तुम कह सर ई1 दिस इज नथिंग बट रीजन 3 रे रीजन द सेम डायरेक्शन रे चली एक्स डायरेक्शन रे सेने आई कैप लिखी से सेम आ गासियो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 आई कैप एडे भी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन 0 आई कैप सो एटा कोन हो ई हार्ड रे केते हो सो कोन हो यू कैन सिंपली ऐड दिस थिंग ई1 वेक्टर प्लस ई2 ई1 केते हैला तो हम कह सके सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 आई कैप प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन 0 आई कैप सो एटा इज ऑन द हम कोन बोली कॉमन कर देली 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 सो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सो थर्ड पॉइंट हमर पड़ेगा 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ए तीन टाइम कौन जाने चढ़ा पड़ला इंडिविजुअली और क्या क्या दिखला ये चार चार चीज से आंसर है नहीं थी ले बे कुछ हाँ दिस इज एंड पॉज मरी ले सो सी कौन कुछ नेक्स्ट कौन कुछ वर्षो टाइप टू एबे मु कौन कर चीज केस में हो चीज कौन केस में चीज स्पेशियल केस का कौन कुछ जल्दी से कौन गया बी जन जायरो ए चार सेंसिटिव सिग्मा एडी कौन कर चीज आई ए बी सिग्मा है ना ये कौन है ला सेम इक्वल एडी चार्ज हो चीज पर एडी पॉजिटिव चार्ज हो चीज एडी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव कौन है ला मोला वाला एडी लिखे दो अब ये कौन हो चीज देख ले हला सो बी जन जाय कौन हो चीज ये पॉजिटिव है ला ये कौन है ला हमारा नेगेटिव ने पॉजिटिव भी नहीं कर पेरे किसी असुविधा नहीं तुम नीचे कर पेरे हम ये कर दियो सीधे होम टास्क मोड़े नेगेटिव नहीं कर चुके आर बी सीरियल चार्ज डेंसिटी सही से है सिग्मा है ना आर एरियल चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा तारो चे माइनस सिग्मा लेकिन दूसरे हां से देन कौन हो छी फर्स्ट टू डायरेक्ट फर्स्ट टू रीजन कौन हो छी देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन अनुसार देखिए ये पॉजिटिव चार्ज एपोड रिपोल करियो टेस्ट चार्ज किंतु नेगेटिव चार्ज कौन रिएक्ट करे से ए1 ए2 अपोजिट डायरेक्शन में से देन कौन है जो कैंसिल होवार चांस आछ से थर्ड पॉइंट रे भी ये कौन करे अट्रैक्ट करे यू के ए2 एड सेकंड प्लेट के तो ई1 कौन करे रिपोल करे से देन एड भी चांस आछ 0 का कि इनसाइड कहता हो तो से पॉजिटिव चार्ज पड़े रिपोल कर नेगेटिव चार्ज कौन कर सेम अट्रैक्ट कर से देन एड कौन आछ एड हमार चांस आछ से देन हम देखिया केस 1 केस 2 होगे ना आई बदल रे रीजन 1 पे होगा माइनस 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 होके थी ये कौन होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा इनटू आई दिस इज नथिंग बट कॉमन सो ई एट 1 ई 1 रिजल्ट में कितना आ रहा है
सेकंड कौन होची नेक्स्ट होची ई2 ई2 दे देखि ये कौन हो होगा सर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 एड़ी कौन करी 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 पके दो सिग्मा 1 सिग्मा लिखि माइनस को माइनस लिखि माइनस सिग्मा 2 कौन हो सिग्मा 2 बदले हम लिखछे माइनस सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा कौन प्लस इनटू कौन हो आई स्नेक 2 एप्सिलॉन 0 ये कौन हो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 एले कौन है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आई को जिस्ट कौन आछे देखिया तापरे ई एट थर्ड इज ये कौन है 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 अगेन ये कौन है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 1 का है ना सिग्मा सिग्मा 2 का है ना माइनस सिग्मा आई के से दे एटा भी आंसर छ એટલે સી કહો છે એન જદી દીડા પ્લેટ ને છો બા થિકનેસ થિન પ્લેન શીટ ને છો આકો દી જણો રો આઈ રે જતી કે પોઝિટિવ ચાર્જ છે આઈ રે સતી કે નેગેટિવ ચાર્જ છે એડા પોઝિટિવ ચાર્જ છે એડા નેગેટિવ ચાર્જ છે સીધે યે એપોર સાઈડ થી હોલે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આજુ કે દીડ જાય સિસ્ટમ લેવું 0 એપોર સાઈડ બી 0 બટ ઇન સાઈડ કોણ હેલો છે સિગ્મા બાય 2 સિગરી સિગ્મા બાય એપ્સિલોન કોમ્બાઈન દી જન જા મિસી રિએક્ટ કરશે तमने म कोई थी गोड़ प्लेट पाइन के आंसर आसला हेती एगा आसला सुदिन आके कोन क्वेश्चन दे जन मिसी गोड प्लेट रे बे क्वेश्चन सुदिन गोड साइड पॉजिटिव गोड साइड नेगेटिव एले भीतर कोन को इनसाइड के तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 बट एपोर साइड कोन को 0 एपोर साइड कोन होचे लेफ्ट साइड कोन को 0 राइट साइड कोन को 0 जानि परलो ने कोन डाउट बुझिला ने गेटिंग माय पॉइंट सिंदी तमो पाई कोन होचे टास्क कोन एडा पॉजिटिव चार्ज अछि सिंद एडा ही पॉजिटिव प्लेट अछि यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एडा तुम नीचे गाड़ी रे मते छड़ी हला जानि पालो हो हला सो नेक्स्ट देखो हम दिडे दिन से जानि आछि गुड अछि स्फेरिकली चार्ज्ड बॉडी स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी को એટલે તમ ભાગો ગોટે ફૂટબોલ લે આય છે સે ફૂટબોલ સે પર આમ કોણ કરે ચાર્જ દે ચાર્જ જો અમે ઇન દી પ્રકાર ડિવાઇડ કરી કરે સ્ફેરિકલી ચાર્જ થોડી આગળ હોજી કોણ હોલો સ્ફિયર આગળ હોજી સોલિડ સ્ફિયર બા હેવી સ્ફિયર સા કો તમ કોણ થા કેડા કોણ તમે જાણ છો ગોટે કોણ હોચે શોર્ટકટ सपोर्ट थ्रो तारे कोन अछि पूरा भीतरटा त भीतर कोन अछि मटेरियल अछि से दिन ताको कह अछि सॉलिड स्फीयर ना हेवी स्फीयर किंतु फुटबॉल देखियो त भीतर किछ न कहै छै कोनको त अछि सो दैट इज कॉल्ड होलो स्फीयर होलो स्फीयर अन्य नाम अछि स्फेरिकल सेल हला अकुम कोन अछि दिटा केस रे डिवाइड होइ छै गोटा अछि भाव सब बोले कंडक्टिंग आउट अछि नॉन कंडक्टिंग बाय इंसुलेटिंग हला सेंदी सॉलिड स्फीयर भी दिया केस अछि ये भी कंडक्टिंग आउट हो जे नॉन कंडक्टिंग बा इंसुलेटिंग से दे ए तीनटा रो हमर ए दिडा केस रो हमर कोन अछि दिडा लॉन्ग क्वेश्चन अछि कोन दिडा लॉन्ग क्वेश्चन अछि होलोस्फीयर का स्फेरिकल सेल कौन तो को सर भीतर कौन अछि कोंपो अछि जदी भीतर दे किछि मटेरियल नाइ मु जदी चार्ज देबी चार्ज कोड रिजेक्ट करियो तुम को सर एडा कॉमन कांसेप्ट सर चार्ज जदी भीतर किछि जगह नाइ घरे एटी किछि जगह नाइ एडा वैक्यूम अछि मु जदी देबी एले बेडी के रहियो कि कारण जोड जगह अछि सेड रहे से जगह कोड अछि तुम को सर जदी हम कोन करे होलोस्फीयर नवा एडा फुटबॉल એટલે સરફેસ ઉપર જગ્યા છે સિર્ફ કોણ છે ચાર્જ સરફેસ ઉપર રિલેટ કરે તાપરે ગોટે ક્વેશ્ચન તો માઇન્ડ રે આસે સર સરફેસ ઉપર એટલે ભીતર રિજેક્ટ કર્યો ના બહાર કારણ એડા ગોટે એડા દીદી હું કોણ નલી સ્પીઓ નલી આર ભીતર બી સરફેસ અછે બહાર સરફેસ સેડા આમે નેક્સ્ટ ક્લાસ રે ડિસાઈડ કરે નેક્સ્ટ ક્લાસ રે પડી કો કે તમ ફર્સ્ટ જણા એ સરફેસ ઉપર રિજેક્ટ કર્યો કોમે રિજેક્ટ કર્યો કારણ ભીતર કિછે મટીરિયલ ના कौन थिले सिना से रोई था ना मटेरियल है सिर्फ में रोच से कंडक्टिंग नियम
तुमको ऐसे नॉन कंडक्टिंग एडी कोड रहे सी सेम आगे कारण मटेरियल तो ना है ना चार सौ बोले रिजेक्ट कोड करे तुमको ऐसे ऊपर रिजेक्ट करे कंडक्टिंग पे भी जोड़े नॉन कंडक्टिंग पे भी सेम तुमको ऐसे ताकि नेक्स्ट सॉलिड स्पीयर बा हैवी स्पीयर में सेट कौन हो सॉलिड स्पीयर ना बोले भीतर कौन सी निदर कंडक्टिंग ना बोले कौन हो चार्ज बोर्ड रिजेक्ट करियो तुम्हें कौन सा सही सब कैसे करे कौन है कारण से जगह अच्छी हेले भी कौन बेरों कारण आमे जान से जब कौन हो ची जोने तीन जनों बाहर है ची तीन जनों कोटे जगह रोके तब कहेंगे शांति रोई सिं चार्ज है कौन हो ची सब जा परस्पर रिपोल कोचन ना परस्पर रिपोल कोचन ताकि इंदी पोजिशन रे रोए जिंदगी ताकि शांति पाए इक्विलिब्रियम पाए सिद्धांत ताकि कोण रोए पसंद करिए कारण कंडक्टिंग रो मीनिंग कौन जी एला बोक्यो सिद्धांत चार्ज जदि गोटे कंडक्टिंग स्पीयर रे चार्ज बोल कोड रे तुम कैसे पूरा हमर कौन होची छत ऊपर स्पीयर रो सरफेस ऊपर सिद्धांत कंडक्टिंग एड दे देखियो ले सरफेस पर जेट करे फिर जदि इंसुलेटिंग में होलो चार्ज देलो એટલે જેતી કે રિઝર્વ નહી સેટી ભીતર હે ને સદે તમ ને કે પચાર્યો એ તીન ડી જે કોણ હોવો આમર કોણ હોવો સરફેસ ઉપર ચાર્જ રિજેક્ટ કરે જદી સરફેસ ઉપર ચાર્જ રિજેક્ટ કરે આમર ચાર્જ રો ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કોણ આસે સરફેસ ચાર્જ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કા સરફેસ ઉપર રિજેક્ટ કરે સદી ના આસે સરફેસ ચાર્જ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન सेदि किंतु एटा कोन होची या अब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कमे पूरा वॉल्यूम रे रही ये एरिया ऊपर है सरफेस एरिया पे ए सरफेस बा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ पई हम यूज करिया सिग्मा आ पई यूज करिया हम रो बुझे कि ये जा ऊपर डिटेल हैना आ पई यूज करिया सिग्मा आ पई यूज करिया रो हेला सो आइलो हमर कोन लॉन्ग क्वेश्चन कोन आछ तम कह सर एटा पे गोटे गाड़िया ओ एटा पे गाड़िया ए तीन डी जाय जोड़ा देले भी कर पर एटा देले भी सेम एटा भी देले भी सेम ए तीन डी जाय कोन होछ गोटे कैटेगरी रो जहां देले भी तम पढ़िया पढ़ियो पढ़ी तम कोन करे तीन डी जाय एटा हाय कर पर कि जो इंसुलेटिंग दे देले तम अलग रे लबो सेटा पे अलग केस पड़े हला सो नेक्स्ट पढ़ना हमें कोन चली पालो एटा नोट करी रखियो लिखी रखियो हला सो नेक्स्ट कौन हो जे हम कौन हो जे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रो का जो करे हम वैसे ड्यू टू वन डायमेंशनल चार्ज है ना सो जे को जे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन हो जे सॉरी वन डायमेंशनल आई फॉरगॉट ड्यू टू कौन हो जे कंडक्टिंग या कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल सेल स्फेरिकल सेल या ना आटा कौन खाओ छी वा हॉलो स्फीयर विथ एडिशन एडी आउ कौन भी बचाई करियो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी पचे पे और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ये सब जा पे कौन होची आंसर गोटे आसी हला बुझिला चली पालो